अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रॉबेरी केक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक केक टिन लेंगे, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब एक बटर पेपर गोल शेप में काट कर इसे अंदर इस तरह से रखेंगे और ऊपर से भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब एक बाउल लेंगे, इसमें दो अंडे को ले लें। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप तेल और 1/4 कप शक्कर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और मिक्स कर लेंगे। ये 1/2 कप स्ट्रॉबेरी की प्यूरे है। प्यूरे बनाने के लिए आपको बस स्ट्रॉबेरी को मिक्सी में डालकर पीस लेना है। अब स्ट्रॉबेरी प्यूरे को डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आप स्ट्रॉबेरी की प्यूरे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी बजाय स्ट्रॉबेरी एसेंस भी डाल सकते हैं। अब एक छलनी ले, इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालकर छान लेंगे। अब एक डायरेक्शन में हमें मिक्स करते हुए मैदे को मिलाएंगे। अब स्ट्रॉबेरी का कलर देने के लिए 1 छोटा चम्मच रेड फूड कलर ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। आखिर में डालेंगे 1/4 कप दूध और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा केक का बैटर तैयार है। अब केक बेक करने के लिए हम एक पतीले को प्रीहीट कर लेंगे। इसमें डालेंगे नमक। ये नमक मैंने कई बार बेकिंग के लिए यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें एक स्टील वायर रैक रखें, आप कोई कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए गर्म होने दें। अब केक टिन लें, इसमें हम अपने केक का बैटर डालेंगे। थोड़ा सा टैप कर लें और इसे बेक होने के लिए रखेंगे। पतीला हमारा गर्म हो चुका है। अब ध्यान से केक टिन रखें और ढक्कन लगा दें और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें और केक को लो फ्लेम पे तकरीबन 45 मिनट तक बेक होने देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा केक बेक हो चुका है। अब एक वुड स्टिक से चेक कर लेंगे कि केक हमारा बेक हुआ है या नहीं। ये देखिए क्लियर वुड स्टिक है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। अगर वुड स्टिक क्लीन नहीं है तो कुछ देर केक को और बेक कर लेंगे। केक ठंडा होने के बाद चाकू से इसके किनारे को लूज कर लेंगे। अब एक प्लेट में केक को डीमोल्ड कर लेंगे। बटर पेपर को भी निकाल लें। देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है और ये कितना सॉफ्ट बना है। अब केक को लेयर में काट लेंगे। मैं इसके 3 हिस्से कर रही हूँ, आप चाहे तो 2 हिस्से भी कर सकते हैं। अब एक चिल्ड बाउल लेंगे, इसे मैंने पहले से ही फ्रिज में ठंडा कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 कप चिल्ड व्हिप क्रीम और अब इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। थोड़ा बीट करने के बाद इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई शक्कर और फिर से बीट कर लेंगे। क्रीम को हमें सॉफ्ट पीक आने तक बीट करना है। ये देखिए हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है।
इस तरह से सॉफ्ट पीक बन जाए तो हमें और ज़्यादा क्रीम को बीट नहीं करना है। ये आधा कप मैंने चॉप स्ट्रॉबेरी लिए है जिसे हम केक के बीच में डालेंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए एक पतीले को उल्टा करके रखेंगे। अब इसके ऊपर एक प्लेट को भी उल्टा करके रखेंगे। प्लेट के सेंटर में थोड़ा क्रीम लगाएंगे। अब एक केक की लेयर को रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए एक बड़ा चम्मच शक्कर और दो बड़ा चम्मच पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इस पर हम व्हिप क्रीम की लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर डालेंगे चॉप की हुई स्ट्रॉबेरी, फिर थोड़ी क्रीम लगाएंगे। अब इसी तरह दूसरी केक लेयर को भी लगा लेंगे। आखिर में केक की तीसरी लेयर को रखेंगे, इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएं। अब व्हिप क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसके किनारों पर भी अच्छी तरह से क्रीम को लगाएं। अब क्रीम को हम स्मूथ कर लेंगे। आप इसे चाकू से भी कर सकते हो। अब केक को ध्यान से एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छी तरह से क्रीम लग चुकी है और केक भी हमारा अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। अब इसे थोड़ा सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख देंगे। अब बची हुई क्रीम से हम केक पर इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। अब इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए स्ट्रॉबेरी को इस तरह से फ्लावर के बीच में रखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारा केक। अब चॉप स्ट्रॉबेरी को हम केक के किनारों पर इस तरह से रखते जाएंगे। और ये हमारा स्ट्रॉबेरी केक तैयार है। तो आप भी इस स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये केक कैसा लगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।